Hello and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnakar and today we are going to cover literary theory. Okay, so literary theory बहुत important topic है British literature के बाद. ठीक है, इसे आप skip करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. Okay, so today we are going to cover literary theory, क्या होता है. हम समझेंगे द लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क होता है. हम बहुत सारे लिटरेरी थ्योरी के टाइप्स भी देखेंगे जो कि हमें करने हैं फ्रॉम नेट पर्सपेक्टिव. ओके, विल कवर न्यू क्रिटिसिज्म फर्स्टली. हम बहुत सारे राइटर्स भी कवर करेंगे, उनके थ्योरीज भी कवर करेंगे ताकि चीज़ें जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो. ओके, तो पहला तो आप लिटरेरी थ्योरी समझिए कि ये क्या होता है. लिटरेरी थ्योरी बेसिकली मीन्स एक तरह का नज़रिया लिटरेचर को देखने का. पीस जो टेक्स्ट है उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है, जो भी कंटेंट दिया हुआ है, जो भी प्लॉट लाइन दी हुई है, कैरेक्टर दिया हुआ है, उसको समझने का, आपको बहुत तरह से समझने का नज़रिया देता है लिटरेरी थ्योरी इन सिंपल टर्म्स. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ बुकिश वे, यू कैन से दैट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ लिटरेचर एंड ऑफ द मेथड्स फॉर लिटरेरी एनालिसिस. नाउ प्रैक्टिकली जो बात करें ना, तो ये पहले भी थी. ठीक है, जैसे मिडिवल टाइम्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो. देन हमारे एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, देन नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का है, उनके बारे में भी हमने बात कर लिया है पहले ही. ठीक है, तो वो सारे एग्जांपल्स थे पहले, बट प्रोफेशनली जो है 20th सेंचुरी में ये जो लिटरेरी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है प्रोफेशनली. जब हम चीज़ें लेने लगे, इसे सीरियसली लेने लगे, वो कब आया है, वो 20th सेंचुरी में आया है. ठीक है, इतना आप समझ गए. इसके अलावा हम समझेंगे कि कौन कौन से जो है हमें करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यू क्रिटिसिज्म हमें करना है जो कि हम आज कर रहे हैं. बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म करेंगे, फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म डिफरेंस, देन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. आप रिलेट करके भी याद रख सकते हो कि स्ट्रक्चरलिज्म ये है तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है. ओके, देन मार्क्सिज्म हम करेंगे. फेमिनिज्म में भी दो टाइप्स हैं, फ्रेंच फेमिनिज्म, फेमिनिज्म, देन उसके भी वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से वेव्स भी आए हुए हैं. देन पोस्ट कॉलोनलिज्म हम करेंगे, देन न्यू हिस्टोरिसिज्म, डी कंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स, आई लव दिस वन पर्सनली, देन साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म. ये सारे जो है ना, जितने भी लिस्ट में दिए हुए सारे हमें करने हैं, सारे आप कवर करोगे तभी देर बी अ चांस टू गेट स्कोर्स. नाउ लेट मी कवर द लिटरेरी थ्योरी वर्सेज क्रिटिसिज्म. तो लिटरेरी थ्योरी बेसिकली क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है. तो जैसे जब आप कुकिंग करते हो या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तो प्रैक्टिकली पहले क्या करते हो, पहले थ्योरी पढ़ते हो. थ्योरी एक आइडिया आपको मिलता है. ठीक है, नाउ एक प्रैक्टिकल होता है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, प्रैक्टिकली आपको वो करके दिखा रहे हैं. सो लिटरेरी थ्योरी बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड करता है. ओके, सो थ्योरी प्रोवाइड करती है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द स्टडी ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर. तो वर्क ऑफ लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, प्रोज, पोएम, ड्रामा, प्लेस. ओके, सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. नाउ लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं. जैसे जो भी थ्योरीज दी गई है ना, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. यू कैन अंडरस्टैंड दिस टू विद दिस एग्जाम्पल्स. ओके, जो थ्योरी आप पहले करते हो देन प्रैक्टिकल करते हो, तो लिटरेरी थ्योरी को आप थ्योरी से जोड़ो एंड क्रिटिसिज्म को आप प्रैक्टिकल से जोड़ो. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी सिंपल. सो इट मीन्स लिटरेरी थ्योरी इज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर. एंड देन ऑन द अदर हैंड, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लिटरेरी थ्योरी. इट इज द स्टडी इंटरप्रिटेशन इन इवेल्युएशन ऑफ लिटरेचर. ओके, आप स्टडी करते हो, इंटरप्रेट करते हो और इवेल्युएट भी करते हो. ओके, सो नाउ थिंग्स आर क्लियर. लेट मी कवर न्यू क्रिटिसिज्म फर्स्ट. नाउ अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है ये इन लिटरेरी थ्योरी दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म. पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ था इन द मिडिल डीकेज ऑफ द 20th सेंचुरी. बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना, टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए. पहले अर्लियर व्हाट इट यूज्ड टू हैपन, जो भी टेक्स्ट रहता था उसके आउटसाइड सोर्सेज को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. उसके वजह से क्या होता था, जो एस्थेटिक क्वालिटीज़ जो होती थी इन फेवर ऑफ टीचिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो जो टेक्स्ट की एस्थेटिक क्वालिटीज़ होती थी वो कहीं खो जाती थी, उस पर फोकस नहीं होता था रीडर का या फिर क्रिटिक्स का. तो न्यू क्रिटिसिज्म एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, एक नया अप्रोच लेके आए, जहाँ पे टेक्स्ट पे पूरी तरह से जो है होली फोकस किया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं, टेक्स्ट पे जो भी लिखा है, टेक्स्ट का जो कंटेक्स्ट है, जो कंटेंट है, आपको उसी से आपको पूरी तरह से जो है बुक को एनालाइज करना है. दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म. ओके, नाउ इट डिराइव
लाइक ये जो न्यू क्रिटिसिज्म का जो नाम आया है ना, वो कहाँ से आया? जॉन क्रॉर आंसर ने 1941 को एक बुक लिखी है द न्यू क्रिटिसिज्म, यहाँ से ये आया है. बट इन्होंने इसे फर्स्टली यूज नहीं किया, ही ओनली कॉइंड द टर्म. बट द अदर पर्सन वॉज जे स्पिंग ग्राम वॉज द पर्सन हु यूज इट. ओके, इज द फर्स्ट पर्सन हु यूज इट. सो दैट यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर. नाउ इट नाउ लेट मी कवर द अदर वन. यस, आई ए रिचार्ड्स. और भी बहुत सारे हम करेंगे, जैसे हम आज तीन कवर करने वाले हैं राइटर. विल कवर अदर राइटर्स इन द अपकमिंग लेक्चर्स. ओके, सो आई ए रिचार्ड हम सबसे पहले कर लेते हैं. ही वॉज बॉर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1979. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की आई ए रिचार्ड के बारे में ज़रूरत नहीं है, बट एक समझिए दैट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है इन्होंने कॉइन किया है. तो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने कॉइन किया है. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे. नाउ वर्क्स पे आ जाते हैं. द मीनिंग ऑफ मीनिंग ये ध्यान रखना है. उसके साथ में जो उसका एक सब टाइटल है, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज अपॉन थॉट एंड ऑफ द साइंस ऑफ सिम्बोलिज्म, विच वॉज पब्लिश्ड इन वैन 1923. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये एक कोलाबरेटेड वर्क है. सी के ऑडगिन एंड आई ए रिचार्ड ने दोनों मिल के इन्होंने जो है लिखा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे. पब्लिशिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी वर्क्स मैं बताऊंगी इसके सारे पब्लिशिंग ईयर याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है थ्योरी में इसी तरह के बन रहे थे. नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट वेरी सीरियसली. नाउ द सेकेंड वर्क इज प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, विच वॉज पब्लिश इन 1924. देन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एज आई टोल्ड यू दैट ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म, सो इट वॉज पब्लिश इन 1929. जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, आप पेस्ट कर लो और आप डेली उसे देखना. ठीक है, ताकि चीज़ें याद रहे आपको. आप स्किप करना बिल्कुल अवॉइड अफोर्ड नहीं कर सकते हो. द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक विच वॉज पब्लिश इन 1936. नाउ कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिए हैं, जो थ्योरीज दी हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं. वर्क्स तो आपका हो गया है, ये चारों वर्क्स आपको ध्यान में रखना है. नाउ देखिए, इन्होंने द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच वॉज पब्लिश इन 1924, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज. वॉट टू यूजेज ऑफ लैंग्वेज, उसमें उन्होंने दो तरह के लैंग्वेज के बारे में बताया है. पहला है क्या? इमोटिव. ठीक है, दूसरा है रेफरेंशियल. रेफरेंशियल को सिस्टमैटिक भी बोला जा रहा है. ठीक है, सिस्टमैटिक. तो ये बात करते हैं ना, जैसे कि जब हम पोइट्री के बारे में बात करते हैं तो इमोटिव लैंग्वेज यूज होती है, जहाँ पे इमोशंस यूज होते हैं. ठीक है, रेफरेंशियल और सिस्टमैटिक जिसे भी हम कहेंगे, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट बात होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स. इसके अलावा और कुछ बात नहीं होती, है ना, ट्रू या फॉल्स. नाउ आर्ग्यू दैट क्रिटिसिज्म शुड इमुलेट द प्रोसीजन ऑफ साइंस एंड डिफरेंशिएट द इमोटिव लैंग्वेज ऑफ पोइट्री फ्रॉम द रेफरेंशियल लैंग्वेज ऑफ नॉन लिटरेरी वर्क्स. इनका मानना था कि क्रिटिसिज्म को ना हमेशा इन दोनों में फर्क करना आना चाहिए. ठीक है, और ये दोनों जो है लैंग्वेज के बारे में ये बात करते हैं. तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि किस वर्क में बात किया है, कौन कौन से लैंग्वेजेस थे, ये दोनों ध्यान में रखना है. नाउ बहुत ज़्यादा क्लोज रीडिंग पे फोर्स करते थे, जैसा कि मैंने बताया कि न्यू क्रिटिसिज्म बेसिकली उसी चीज़ के बारे में बात करती है जब आप टेक्स्ट पे पूरी तरह से सोली फोकस्ड होते हो. ठीक है, सोली सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस होते हो, उसके बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं होते हो. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू शुड फोकस ऑन द क्लोज रीडिंग. ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन क्लोज रीडिंग. ओके, सो एक्सेप्ट दैट विल कवर द मीनिंग ऑफ मीनिंग विच इज़ ऑल्सो रिटन बाय आई ए रिचार्ड विच वॉज पब्लिश इन 1923. सो आई ए रिचार्ड तो मैंने जैसा बताया कि इसका सब टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं. और ये एक कोलाबरेटेड वर्क है. ठीक है, इन्होंने को ऑथर किया है. रिचार्ड आई ए रिचार्ड थे अलॉन्ग विथ सी के ऑर्गिन. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात तो होती है, बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था सिमेंटिक ट्राइंगल का. ठीक है, सिमेंट्रिक ट्राइंगल. नाउ सिमेंट्रिक ट्राइंगल विच इंक्लूड्स अ थॉट. Thought first, you can say the thought, which means reference. The then the symbol word, and then referent, which means object and concept or concept. Okay, so यहाँ पे thought को reference से define कर रहे हैं, symbol को word से, and referent को object और concept से. ये ध्यान में रखना है. और semantic triangle का जो concept है वो किस work में दिया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है,
नाउ फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग के बारे में आपको मैं बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने कौन से वर्क में पब्लिश कराई है? टेल मी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1924। नाउ यहाँ पे क्या है, चार तरह के मीनिंग्स होते हैं, चार तरह के मीनिंग जो है जब भी आप बुक पढ़ोगे ना तो निकलेगा। पहला रेफरेंशियल मीनिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट दे रेफर टू, वर्ड और जो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उसके बीच, दोनों के बीच का रिलेशन। देन इमोशनल मीनिंग, द फीलिंग्स एंड इमोशन इवोक्ड बाय वर्ड्स। जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हो तो हर किसी को ना अलग तरह की फीलिंग आती है, तो वर्ड के साथ हमारी जो है इमोशंस जुड़ी होती है, दैट वो अलग मतलब निकलता है उसका। देन एस्थेटिक मीनिंग, द आर्टिस्टिक और एस्थेटिक इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के वजह से बहुत सारे, जैसे कुछ सिंपल लैंग्वेजेस में चीज़ें लिखी गई, बहुत सिस्टमैटिक और सजा के लिखी गई, तो दोनों का फीलिंग जो है, दोनों का मतलब बहुत अलग निकलता है। देन सिनेस्थेटिक मीनिंग, द सेंसरी एंड एक्सपीरियंशियल एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स बियॉन्ड देयर लिटरल सेंस, ठीक है, लिटरल सेंस, जैसे जो लिखा है उसके अलावा एक सेंसरी ऑर्गन के वजह से हम अलग तरह का मतलब निकालते हैं, दैट इज सिनेस्थेटिक मीनिंग, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखो, सेफ्टी जैसे मैंने याद रखा था SFTI, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, सिनेस्थेटिक कैन यू कैन रिमेम्बर एज सेंस, जैसे कि यहाँ दिया है, आप इमोशनल फीलिंग्स को फीलिंग एफ से याद रखोगे, एस्थेटिक मीनिंग को आप कैसे याद रखोगे, टोन से, ठीक है, टी, सो टी सॉरी SFTI, मैंने सेफ्टी की तरह याद रखा था इसे। और आप इसे कैसे याद रखोगे, फीलिंग हो गई, आपका टोन हो गया, सेंस हो गया, और आपका कौन सा बचा, इंटेंशन बचा, सो आई से, ठीक है, SFTI। ओके, नाउ फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग, राइट, यू नीड टू रिमेंबर दैट। नाउ लेट मी कवर द अदर राइटर, विलियम एम्पसन। नाउ ही वॉज बॉर्न इन 1906 एंड ही डायड इन 1984। फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन, विलियम एप्सन जो है फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक है, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। जब बहुत ज़्यादा जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने। हिज आइडियाज एंड थ्योरी हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द स्टडी ऑफ लिटरेचर। सो वर्क्स आप करोगे, वर्क्स के साथ पब्लिशिंग ईयर करोगे, उसके बाद इनके कुछ थ्योरीज हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। सो आप याद रखो, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी विच वॉज पब्लिश इन 1930। देन सेकेंड, सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल विच वॉज पब्लिश इन 1935। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स विच वॉज पब्लिश इन 1951। एंड देन मिल्टन्स गॉड देन विच वॉज पब्लिश इन 1961। यूजिंग बायोग्राफी विच वॉज पब्लिश इन 1984। तो ये सारे जो हैं नोट करोगे आप, और ये सारे वर्क्स को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, स्किप नहीं करना। देखिए अब थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने, एप्सन ने सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के बारे में बात की। इनका मानना था कि कोई भी वर्ड, ठीक है, हर वर्ड, हर फ्रेज, हर टेक्स्ट जो पोएम की होती है ना, वो एक से ज़्यादा मतलब निकाल सकती है। यू कैन इंटरप्रेट इन मोर देन वन वे, एंड ही इज एक्चुअली हाईलाइटिंग सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। ओके, सात तरह से आप जो है इसका मतलब निकाल सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्या है, मेटाफर, दैट इज व्हेन टू थिंग्स आर सेड टू बी अलाइक, एक जैसी होती है, विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग प्रॉपर्टीज होती है बट एक जैसी होती है। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट में भी यही होता है ना, बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके उन क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो सिमिलर हो, ठीक है, लेकिन चीज़ें होती बहुत अलग हैं। तो इस तरह से आप मेटाफर ध्यान में रखो। देन टू और मोर मीनिंग्स आर रिजॉल्व इन टू वन, दो या उससे ज़्यादा मीनिंग्स जो है एक में रिजॉल्व हुए। एम्पसन कंसिडर दिस एज यूजिंग टू डिफरेंट मेटाफर्स, ऐसा जैसे कि टू डिफरेंट मेटाफर्स यूज़ कर रहे हो, तो इसका यूज़ भी एक तरह से एम्बिगस होता है। एक इंटरप्रिटेशन को, एक वर्ड के इंटरप्रिटेशन को बहुत तरह से ले जाया जा सकता है, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे। देन थर्ड वन इज
आप पन से याद रखोगे, देन टू और मोर मीनिंग दैट डू नॉट एग्री बट कम्बाइन टू मेक अ क्लियर कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द ऑथर. मतलब दो या दो से ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, अर्थ है उसका, बट एक दूसरे से एग्री नहीं करते, बट आपको पता चल रहा है ना कि ऑथर के दिमाग में एक तरह का डिस्टर्बिंग माइंड चल रहा है, एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड है जो कि खुद उसको क्लियर नहीं है. तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएट्स एन एम्बिगस इंटरप्रिटेशन. ठीक है, अलग इंटरप्रिटेशन निकालता है. आप इसे कैसे समझ रहे हो ना, जैसे सिंपली आप इस तरह से समझो कि बहुत तरह की चीज़ें बुक में होती हैं, तो बहुत तरह की जो चीज़ें हैं या वे ऑफ राइटिंग है और सिमिली यूज़ किया है या फिर फिगर ऑफ स्पीचेस यूज़ किए हैं, तो उससे क्या होता है, अलग अलग मतलब निकलता है. तो सिंपली एम्पसन ने 7 तरह के इंटरप्रिटेशन के बारे में बात की हुई है. ठीक है, तो फिफ्थ हम करते हैं. फिफ्थ क्या होता है, व्हेन द ऑथर डिस्कवर्स हिज आइडिया इन द एक्ट ऑफ राइटिंग, एम्पसन डिस्क्राइब्स सिमिली दैट लाइज हाफ वे बिटवीन टू स्टेटमेंट मेड बाय द ऑथर. ठीक है, तो ये एक हो गया फिफ्थ. देन सिक्स हो गया, व्हेन अ स्टेटमेंट सेज नथिंग एंड द रीडर्स आर फोर्स टू इन्वेंट अ स्टेटमेंट. मतलब स्टेटमेंट कुछ नहीं कह रहा है लेकिन रीडर फोर्स है कि कुछ ना कुछ वो मतलब तो निकालो तुम. ऐसा नहीं होता कि घर पे ऐसे कुछ किसी चीज़ के बारे में नहीं, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा. दैट वे यू कैन ऑल्सो रिमेंबर ऑफ देयर ओन मोस्टली लाइकली इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट ऑफ द ऑथर. सो कॉन्क्रीट थॉट की तरह आप इसे याद रख सकते हो. नाउ टू वर्ड्स दैट विद इन कंटेक्स्ट आर अपोजिट दैट एक्सपोज अ फंडामेंटल डिवीजन इन द ऑथर्स माइंड. ऑथर के दिमाग का फंडामेंटल जो डिवीजन है, उसकी जो फंडामेंटल बेसिक्स है, वो खुद भी क्लियर नहीं है. और दो तरह के वर्ड जो अपोजिट्स हैं उसको दिखाता है, ऑथर के फंडामेंटल डिवीजन को. ठीक है, ऑथर के माइंड के फंडामेंटल डिवीजन को जो है रिप्रेजेंट करता है. सो दैट दिज आर द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी. ठीक है, ये आप इस तरह से याद रखोगे, ऐसे एलिग्री हो गई हमारा, एंटीथीसिस हो गया, मेटाफर हो गया, पन हो गया, सिमिली हो गई, देन स्टेट ऑफ माइंड जैसे कॉन्क्रीट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हो गया. सो दीज आर द थिंग्स. ओके, नाउ एफ आर लुविस के बारे में बात कर लेते हैं. नाउ ही वॉज बॉर्न इन 1895 एंड डाइड इन 1978. ठीक है, इन्होंने एक जर्नल फाउंड आउट किया था, स्क्रूटनी, आप ये याद रखोगे. ठीक है, स्क्रूटनी फाउंड आउट किया है इन्होंने. ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो था ना उसके अगेंस्ट थे. क्या था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो था उसके अगेंस्ट थे. ये कौन, एफ आर लुविस, एंड ही वॉज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक एंड इंटेलेक्चुअल. ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द फील्ड ऑफ लिटरेरी स्टडीज एंड इज रिगार्डिंग एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, एफ आर लुविस को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो. एंड देन ये एसोसिएटेड थे अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म से, ये भी आपको ध्यान में रखना है. क्या है, अमेरिकन स्कूल ऑफ वॉट, न्यू क्रिटिक्स से एसोसिएटेड थे ये आप ध्यान में रखेंगे. नाउ लेट मी कवर द वर्क्स. सो द फर्स्ट वर्क द ग्रेट ट्रेडिशन. ठीक है, द ग्रेट ट्रेडिशन जो है ये वर्क है 1948, डू रिमेंबर. नाउ एफ आर लुविस जो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क है इनका जो ये बेसिकली ना 18th टू अर्ली 20th सेंचुरी के राइटर्स को रेफर कर रहा है. राइटर्स के भी नाम मैं बता देती हूँ, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, ये याद रखिएगा, जॉन मिल्टन, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स, डीएच लॉरेंस. ओके, सो दिस आर द राइटर्स. द एफ आर लुविस का मानना था ना कि अगर कोई राइटर ग्रेट राइटर्स को फॉलो करके कोई वर्क लिख रहा है, कोई टेक्स्ट लिख रहा है, तो ही वो ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है. ठीक है, ही स्टार्ट्स बाय डिफाइनिंग व्हाट डज इट मीन बाय ग्रेट नॉवलिस्ट एंड व्हाट डज इट मीन बाय ट्रेडिशन. सो ग्रेट नॉवलिस्ट के हिसाब से वो कहते हैं विलियम शेक्सपियर ग्रेट थे, और इन सारे जो राइटर्स को जो फॉलो करता है ना, वो ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा होता है. उन्होंने शार्लोट ब्रॉन्ट को एक्सक्लूड किया. ठीक है, शार्लोट ब्रॉन्ट को एक्सक्लूड किया है एंड एंथनी ट्रुलप को भी एक्सक्लूड किया है. उनका मानना था कि ये जो है ना, वो जेन ऑस्टन को अप्रिशिएट नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने इनको एक्सक्लूड कर दिया. सो दैट वे यू नीड टू रिमेंबर दैट दे ही एक्चुअली एक्सक्लूडेड दिस टू राइटर्स एंड इंक्लूडेड दिस. एंड उनका मानना था कि ये जो राइटर्स को, ये ग्रेट राइटर्स हैं, एंड इन राइटर्स को जो फॉलो करता है, इन राइटर्स को देख के जो वर्क्स लिख रहा है, वो ग्रेट ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है. ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट्स इट. नाउ लेट मी कवर द अदर थिंग्स, वेट अ सेकेंड. या
other works, New Bearings in English Poetry, which was published in 1932. ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, बट ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ये लेविस ने डिस्कस किया है बहुत तरह के, जैसे स्टेट ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड क्रिटिक्स, द डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ इस टाइम. मतलब बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे या इंग्लिश पोइट्रीज थी उनके टाइम पे जो डोमिनेंट लिटरेरी ट्रेंड्स थे ना, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वर्क में वो बात करते हैं. नाउ दूसरा है री इवेलुएशन कॉलिन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोइट्री, विच वॉज पब्लिश इन 1936. एक्चुअली ये एक्सप्लोर करता है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी दोनों के बीच के टेंशन को. होता है ना, पहले के टाइम की जो रीति होती है या कल्चर्स होते हैं और अभी के टाइम के जो कल्चर्स होते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट्री हो जाते हैं और दोनों में थोड़ी हो जाती है. सो दैट वे इट टॉक्स अबाउट. ओके, सो लेविस डिस्कसेस मेजर पोएट्स लाइक जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड T.S. एलियट. तो ये नाम आपको जो है ध्यान में रखना है. क्या करना है? ध्यान में रखना है. ठीक है, फॉर नाउ वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड 3 राइटर्स, वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नी क्रिटिसिज्म. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर नाउ ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो एंड डू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क मी दैट मैम प्लीज मेक इट क्लियर. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.